हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है कच्ची हल्दी से पिन्नी बनाना। तो आइए बनाते हैं कच्ची हल्दी से पिन्नी। हल्दी के लड्डू बनाने के लिए ये हमने 250 ग्राम हल्दी ली है। इसको मैंने धोकर कद्दूकस कर लिया है और ये मैंने गोंद ली है। ये 50 ग्राम के आसपास गोंद है और 50 ग्राम के आसपास हमने मगज लिए हैं और 50 ग्राम के आसपास हमने बादाम लिए हैं। 200 ग्राम हमने गुड़ लिया है और 200 ग्राम के आसपास हमने घी लिया है और एक बाउल हमने आटा लिया है। तो आइए बनाते हैं हल्दी के लड्डू। ये मैंने एक कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं कढ़ाई के अंदर सबसे पहले ये मगज को भून लूंगी और इसे अच्छे से रोस्ट कर लूंगी मैं मगज को। और ये हमारे मगज रोस्टेड होने लगे हैं और इसमें पटपट की आवाज आने लगी है मगज में। मगज हमारे भून चुके हैं, इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब कढ़ाई के अंदर मैं एक चम्मच घी डालूंगी। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये गोंद डाल दूंगी और इसे भून लूंगी गोंद को मैं। गोंद भी हमारी फ्राई हो चुकी है और इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी गोंद को। अब इसी कढ़ाई में मैं एक चम्मच फिर घी डालूंगी। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये हल्दी डाल दूंगी। पूरी भून लूंगी हल्दी को। इसी हल्दी को मैं अच्छे से भून लूंगी। हल्दी के लड्डू खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है और इससे हमारी स्किन भी बहुत ही अच्छी रहती है। आप हल्दी के लड्डू सर्दी में जरूर बनाएं। जब तक ये हमारी हल्दी भूनती है तब तक मैं ये बादाम को कट कर लूंगी। और ये हमारे बादाम बारीक कट कर तैयार हो चुके हैं। अब हम हल्दी को चेक कर लेते हैं। ये हल्दी हमारी भुनने लगी है, देखो कितना अच्छा सा कलर आया हल्दी का। और ये हल्दी हमारी भुन चुकी है, इसे मैं प्लेट में निकाल दूंगी। मैं इस वाली प्लेट में ही निकालूंगी। अब इस कढ़ाई में मैं ये घी डालूंगी, थोड़ा सा घी मैं बचा लेती हूँ। और इस आटे को मैं अच्छे से भून लूंगी। और जो ये मैंने बचा हुआ घी है ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ और इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भूनूंगी आटे को मैं। अब इसी आटे के अंदर मैं ये बादाम डाल दूंगी, ये भी भुन जाएंगे इसके अंदर। गोंद को मैं हाथ से क्रश कर लूंगी
मैं ज्यादा क्रश नहीं करूंगी गोंद को, कम ही क्रश करूंगी। गोंद हमारी क्रश हो चुकी है, गोंद को भी मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ ही इसमें मैं मगज डाल दूंगी और ये मैं हल्दी भी डाल रही हूँ भुनी हुई इसी में। और अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसे मैं। और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे मैं गैस से नीचे उतार देती हूँ। और ये मैंने एक सॉस पैन लिया है और अब मैं ये गुड़ डाल दूंगी इसके अंदर। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ लगभग 200 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को हम पिघलने देंगे, इसमें हम पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे गुड़ के अंदर, इसको इसी प्रकार से पिघलने देंगे गुड़ को। गुड़ हमारा पिघल चुका है, गुड़ हमारा पिघल चुका है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और ये पिघला हुआ गुड़ मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसे ठंडा होने दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसके हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। ये हमारा पिन्नी का डोट ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे हाथ की मदद से लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। मैं इसे हाथ से मिक्स करूंगी। और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसके लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। ये देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है। और इसी प्रकार से मैं बना के सारे पिन्नियां तैयार करूंगी। ये हमारा मसाला हल्का हल्का गुनगुना सा गरम है। और ये हमारी सारी पिन्नी बनकर तैयार हो चुकी हैं। और ये हमारी हल्दी की पिन्नी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।